गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स नमस्कार आप सभी का स्वागत आप सभी का अभिनंदन और आप सभी देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर छः और हमारा यूट्यूब चैनल एन सी आर टी ऑफिशियल और मैं हूँ आपके साथ कुसुम प्रसाद और स्टूडेंट्स uh, हमारा ये जो सत्र है वो कक्षा छः के विद्यार्थियों के लिए है सोशल साइंस का और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर टू डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी विविधता और भेदभाव ये हम जानेंगे हमारी एक्सपर्ट से और मैम है डॉक्टर चित्र रेखा मैम मैम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मैम नमस्कार नमस्कार मैम मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर डाइट से घुमन हेरा एस सी आर टी न्यू दिल्ली से तो इससे पहले कि हम आज का ये सत्र शुरू करें स्टूडेंट्स हम बता देते हैं हमारे विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं किस तरह से आप इस सत्र से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं अपने फीडबैक अपने सुझाव जो भी हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं तो आप हमें फ़ोन नंबर के माध्यम से कॉल मिला सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर है आठ पर और यदि आप हमें ईमेल के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना चाहते हैं तो आप उसे भी नोट डाउन कीजिए हमारा ईमेल आईडी है डी टी एच डॉट क्लास सिक्स एट द रेट सी आई सी पर और एक और जरिया एक और माध्यम हम तक जुड़ने का वो है हमारे यूट्यूब चैनल एन official ऑफिशियल इसके लाइव चैट में जाकर आप अपने मैसेजेस अपने सुझाव ड्रॉप कर सकते हैं और सीधे सत्र से जुड़ सकते हैं तो so, स्टूडेंट्स uh, uh, इस सत्र को शुरू करने से पहले हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जी ट्वेंटी से रिलेटेड साझा करना चाहते हैं वी आर प्राउड दैट इंडिया जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द जी ट्वेंटी फर्स्ट टाइम इन कंट्री इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अनेशन डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टी लेटरिज्म इंडिया जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी वुड बी ए वॉटर शेड मूवमेंट इन अर हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय फाइंडिंग प्रेगमेटिक ग्लोबल सोल्यूशन फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल

जैसा कि आप देख भी रहे हैं विविधता एवं भेदभाव हमने पहले अध्याय में सबने समझा कि विविधता क्या होती है लेकिन फिर भी हम एक बार उस पर दोबारा से चर्चा करेंगे और आज मैं चाहूंगी कि आप लोग है ना सिर्फ सुने नहीं कुछ करें भी हमारे साथ है ना तो मैं आज इसी आ, आ, सोच के साथ आई हूँ तो मैं आप सभी से जो भी आ, हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं तो मैं उन सभी से कहूंगी कि एक बार सभी अपने हाथ को मेरी तरह बिल्कुल ऐसे सामने करें मैम आप भी करिए जी और अपने इस हाथ को है ना जो आप ऐसे कर रहे हैं तो एक बार अपनी नजरों को उंगलियों की तरफ दौड़ाइए जी आप बताइए कि क्या आपकी जो ये उंगलियां हैं वो सभी एक जैसी हैं नहीं मैम कुछ छोटी उंगलियां हैं कुछ बड़ी उंगलियां हैं अब आप इसी अगर इस हाथ को ऐसे करते हैं तो अब आप देखिए तो क्या आपके हाथ की रेखाएं भी एक जैसी है नहीं रेखाएं भी अलग ही है तो ये क्या संकेत दे रही है Uh, मेरे ख्याल से मैम ये संकेत दे रही हैं कि उंगलियां भी अलग हैं रेखाएं भी अलग हैं लेकिन ये जुड़ी हुई तो हमारे हाथों से ही है yes, बिल्कुल, बिल्कुल सही, कि ये जो है हमारी जो हाथ की उंगलियां जो अगर हम देख रहे हैं तो ये भी अलग अलग हैं अगर हम रेखाओं की बात कर रहे हैं तो ये भी हमारी अलग अलग है लेकिन कॉमन चीज क्या है कि ये यहाँ से जुड़ी हुई है और मैम अभी हमने अभी आपने एक बात कही थी कि वसुदैव कुटुम्बकम तो कि हम पूरे उसको एक मानते हैं यानी कि हमारा पूरा विश्व ही परिवार है और और हम बात भी आज हम कर रहे हैं बच्चों विविधता और भेदभाव की यानी डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चित्र रेखा मैम और मैम अभी समझा रहे हैं कि अब हमारी उंगलियां अलग अलग हैं और हमारी हाथों की रेखाएं भी अलग अलग हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं हमारे हाथ से जी मैम तो बहुत अच्छी बात है जैसा कि हमने बोला ना वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरा हमारा जो पृथ्वी है हमारा जो विश्व है एक परिवार है सभी अलग अलग हैं सभी विविध हैं विविध जाति के विविध धर्मों के विविध भाषाओं के लोग हैं लेकिन जुड़े हुए हैं सिर्फ एक से बिल्कुल बहन जी अभी अभी मैं ऐसी चीज को अगर दूसरी तो आप पॉइंट ऑफ व्यू से कहती हूं तो अब आप बच्चों जरा आप अपने घर की तरफ भी ध्यान दें तो आप देख रहे हैं कि क्या होता है कि घर में क्या आज सबने एक जैसे कपड़े पहने हैं नहीं बिल्कुल सबके अलग अलग हैं किसी के किसी और कलर के कपड़े हैं मतलब अगर घर के सदस्यों की बात करें तो सबके ही सदस्यों के कपड़े अलग अलग हैं अलग अलग होती हैं और ऐसे ही क्या हम सोचते भी सब एक जैसे हैं नहीं मैम सबकी सोच अलग अलग होती है तो क्या क्या हम खाना भी सब एक जैसा ही खाते हैं खाना तो बनता है एक जैसा है लेकिन खाने का तरीका अलग होता है खाने का तरीका हमारा अलग होता है इसके अलावा हम जो भी चीज मतलब यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि सब चीज में हमारे में विविधता है जी, और अगर इसी विविधता को मैं दूसरे परिपेक्ष में ले जाती हूँ तो आप ये देखिए कि अगर हम दूसरे समुदाय में पहुंच जाते हैं या अपने पड़ोस में पहुंच जाते हैं तो ये विविधता हमें वहां पर भी देखने को मिलती है बिल्कुल है ना क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे दोस्त नहीं सोचते हैं है ना तो वो सारी चीजें हमें क्या होता है कि उसमें हमें विविधता देखने को मिलती है तो इस इससे क्या है अगर इसी इसी चीज को मैं और अगर दूसरे उसमें लेकर के जाऊं तो हम देखते हैं कि आ, ये एक समुदाय में भी हमें विविधता देखने को मिलती है तो ये विविधता क्या है कि जैसे हम सोचते हैं हम करते हैं वो सारी चीजें हमारी क्या है अलग अलग है और भारत जो है एक ऐसा देश है जिसमें बहुत ही ज्यादा विविधता है वो विविधता किसी भी आधार पर आप देख सकते हैं भारत की जो विविधता है जैसा की आपने बताया कि हमारे भारत में भाषा अलग है रंग अलग रूप अलग कोई अमीर कोई गरीब और मतलब इतनी सारी विविधताएं हैं कहते हैं कि हर एक दो किलोमीटर पर भाषा चेंज हो जाती है यस yes, बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो है ना कि आ, ना... हर कोस पर हमारी जो भाषा बदलती है और चार कोस पर हमारी वाणी भी बदल जाती है तो बिल्कुल आपने सही कहा जैसे भी, आप इसमें भी देख रहे हैं कि हमारे जो है हम क्या खाते हैं क्या करते हैं सब सब में डिफरेंस है और अगर हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं तो देखिए कि विविधता है हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो भाषाएं सोलह सौ से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं धर्मों की बात करें तो धर्म भी हमारे आठ से अधिक धर्म है जो पूरे विश्व में है और उसके सबसे ज्यादा अनुयायी हमारे देश के अंदर है ऐसे ही अगर हम नृत्यों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर नृत्य भी सबसे ज्यादा है बिल्कुल है ना सबकी वह अलग है और अगर और उसको देखें तो देखिए आप भाषा के आधार पर धर्म के आधार पर जाति के आधार पर समुदाय के आधार पर लिंग के आधार पर या रंग की बात करें तो सब पर हम विविधता देख सकते हैं जी और सबसे बड़ी बात है कि मैडम आज देखिए त्योहार है जी है ना आज कौन सा त्यौहार है आज नवरात्रि का त्यौहार है चैत नवरात्रि नववर्ष यस हमारा हिंदू नववर्ष का आरंभ आज के दिन से ही बिल्कुल बिल्कुल हम हम इसे नवरात्रि के नाम से जानते हैं गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं तो एक त्यौहार को अलग अलग अलग, अलग अलग नामों से जाना जाता है पूरे भारत में बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. और मैम तो, हमारे भारत में मौसम की भी तो कितनी विविधता है कितनी विविधता है वही ना बिहार जो त्यौहार है वो मौसम के आधार पर बनाया जाता है तो एक और सबसे बड़ी विशेषता क्या है की देखिये हमारा अभी विविधता का कारण क्या है अब हमें ये भी तो जानना है ना विविधता का कारण क्या है तो हम हम देखते हैं विविधता का कारण भूगोल है इतिहास है यह हमारा सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की कैसा है हम एक ही परिवेश में बहुत सारी समुदाय रहते हैं आप देखिए उनका मनाने का का तरीका तरीका, जो भी आपने कहा ना कि खाना बनाया एक जैसा लेकिन खाने का तरीका 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 अलग अलग, अलग, अलग है तो ऐसे ही हमारा भौगोलिक परिस्थिति जो भी हमने कहा कि हर उस पर थोड़ी दूरी पर ही हमारी भाषा बदल जाती है जैसे जैसे पानी बदलता है भाषा भी हमारी बदलती चली जाती है अब यहाँ पर बच्चों सोचने की सबसे बड़ी बात यह है कि ये विविधता का जो परिणाम है वो हमें क्या देता है खुशहाली देता है या भेदभाव तो देखो आप यहाँ पर दो पिक्चर देख रहे हैं ये पिक्चर में मैडम ऊपर क्या दिखाई दे रहा है अगर आप बताएं पहले खुशहाली नज़र आती है क्योंकि हमें रंग बिरंगे फूल नज़र आ रहे हैं तो फूलों को देख के हमें हैप्पीनेस या अंदर से खुशी महसूस होती है प्रकृति को देखकर भी यस yes. और अगर अगर हम नीचे वाले में देखें तो नीचे भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन लिखा है अच्छा चलो अब आ, मैं पहली पिक्चर पर ही आती हूँ अब पहली पिक्चर को ध्यान से देखो कि उसमें खुशहाली का कोई रीजन लगता है आपको अगर सोचेंगे तो हम जैसे अगर मैं देख मेरे हिसाब से तो उसमें सभी फूल एक जैसे है यस yes. बिल्कुल yes. बिल्कुल बच्चों इसमें सभी फूल एक जैसे हैं hmm. तो और हम खुश कब होते हैं देखो जब हम हमारे विचार एक दूसरे से मिल जाते हैं hmm. हम उसी समुदाय के साथ उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद hmm. करते हैं जिनके साथ हमारे विचार मिल जाते हैं भिल्कुल. अब देखो ये आप फ्लावर देख रहे हैं है ना yes. ये फ्लावर अब एक जैसे है तो हम वैसे तो अगर खूबसूरती तो क्या है इसकी ये सारे अगर मैं इसको कर दू तो खूबसूरती इस ये क्या दिखाता है खूबसूरती दिखाता है ना डाइवर्सिटी है कि सारे मिलकर के एक अलग वो दे रहे हैं जो हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत है ना लेकिन हमारा नजरिया क्या होता है कि हम ये जब हम इनको एक जैसा देखते हैं तो ये इसकी सोच और इसकी सोच सोच सारा खेल सोच का है बच्चों सारा जो हमारा खेल है वो सोच का है जब हम दोनों एक जैसे को प्रेफर करते हैं जो मेरे जैसा बोले जो मेरा जैसा खाए जो मेरे नुँ। नुँ। जैसा रहे जो मेरी बातों पर एग्री कर जाए मतलब नुँ। नुँ। मेरी बात से सहमत हो तो हम उस समुदाय को भी अच्छा मानते हैं उस दोस्त को भी अच्छा मानते हैं हम दोस्ती भी उसी से करते हैं जिससे मेरे विचार मेल घाट आते हैं ठीक है तो यही चीज यहाँ पर हम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये फ्लावर ऊपर देखे कि जब एक जैसे हैं तब तो ये खुशहाली हो कर रहे हैं लेकिन होना क्या चाहिए होना तो ये चाहिए ना कि जब ये फूल इसके साथ मिल जाए तो वो इससे भी कुछ सीखे क्योंकि इसके भी कुछ अपने विचार हैं बिल्कुल है ना अगर इसके भी कुछ अपने अपने थॉट्स हैं तो हम सारे मिल करके जब हम सारे मिक्स हो जाएं जब सारे मसाले मिल जाते हैं तो एक अच्छा खाना बन जाता है बिल्कुल है ना जी तो अब अगर सब सारा खाना वो अच्छा एक स्वादिष्ट खाना बन जाता है और जो हमें बहुत स्वाद लगता है तो वही इसकी खूबसूरती है लेकिन समाज में कुछ ऐसा है कि ये फूल इस फूल को आप अपने से कंपेयर करो कि मैं सोचती हूँ मैं ही श्रेष्ठ हूँ मेरे विचार सबसे अच्छे हैं जी। मैं जो बोलती हूँ वो सबसे अच्छा बोलती हूँ <laughs> मैं जो काम करती हूँ सबसे अच्छा करती <laughs> हूँ मैं जिस धर्म को मानती हूँ सबसे अच्छा धर्म है ठीक <laughs> है मैं जिस समुदाय से बिलोंग करती हूँ समुदाय बहुत अच्छा है <laughs> तो जब हम ऐसी सोच बनाने लग जाते हैं तो वो क्या करता है जो हमने कहा वो हमारे लिए क्या करता है हम भेदभाव करने लगते हैं और वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है अब आप अगली इसमें देखेंगे बच्चों मैंने दिखाया कि भेद किसका भेद का मतलब क्या है हुं। अंतर हुं। है ना और अंतर किस चीज का भाव का भाव का है ना सोच और विचार का भी हमने क्या कहा सारा खेल ही हमारा सोच का है है ना और भेदभाव को अगर मैं लूँ तो सोच विचारों में अंतर वो किसके आपके और मेरे इस इसके और इसके दोनों के विचारों में अंतर हो गया और वो दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं पूर्वाग्रह अब फिर आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पूर्वाग्रह क्या है ना अब ये पूर्वाग्रह क्या है इसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं देखिए पूर्वाग्रह क्या है पूर्व मतलब पहले से जी ठीक है आग्रह जब हम हट कर लेते हैं जब किसी चीज पर अड़ जाते हैं जब हम किसी चीज को पहले से ही मान लेते हैं ठीक है अब अगर मैं पूर्वाग्रह का पूरा मतलब देखूं जी. तो देखते हैं कि पहले से ही हम किसी बात पर अड़ गए जी. बिना समझ के हमने अपनी कोई राय बना ली और उसे अपने दिमाग में बैठा लिया ऐसा नहीं है वो राय थोड़ी देर के लिए नहीं है वो राय हमारी काफी टाइम के लिए बन गई और वो राय भी कैसी है देखिए नकारात्मक मनोवृत्ति है हमारी सकारात्मक नहीं है हम मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये फ्लावर ये सोच रहा है कि मैं इनके तुलना में सबसे श्रेष्ठ हूँ तो ये अगर जब मैं ऐसे सोचने लग जाती हूँ या कोई भी समाज ऐसे सोचने लग जाता है या कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाता है तो वो क्या बन जाता है पूर्वाग्रह बन जाता पूर्वा है और वही आगे हमें क्या परिणाम देता है हम आगे उस पर देखेंगे अब यही देखिए अगर हम अगले उस पर देखते हैं तो हमने क्या किया ये पूर्वाग्रह किन किन लोगों के लिए बनाए देखिए हम क्या करते हैं ग्रामीण और शहरी में के लिए हमारे पूर्वाग्रह हैं जी है ना कि हम सोचते हैं गांव के लोग तो जो है मेहनती होते हैं और अगर शहर के लोग होते है तो हैं तो भाई लेट उठते हैं ठीक है या फिर जो शहर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वाइट कॉलर जॉब ऑफिस में काम करना पसंद करते हैं और गाँव के लोग खेतों में करना खे पसंद करते, करते हैं करते। है। तो ये भी हमारी एक सोच है ठीक है अगर हम इसे दूसरे उस पर देखें तो लड़का है भाई आप रो नहीं सकते आप लड़के हो ये काम लड़कियों का है तो ये भी हमारा एक पूर्वाग्रह बन गया है ना और क्या लड़कियां ही घर का काम करेंगी लड़के नहीं करेंगे ठीक है यही हम आगे अगर और आगे देखते हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे hmm. उनकी भी हम योग्यता और क्षमताओं के आधार पर हम जो है पूर्वाग्रह बना लेते हैं अब देखिए मैंने आपको अभी जैसे कहा ना कि ग्रामीण लोग hmm. कि हमने क्या पूर्व पूर्वाग्रह बनाए हुए हैं क्या आधे से ज्यादा तो भारतीय गाँव में ही रहते हैं hmm. और वो जो है टेक्नोलॉजी से बहुत डरते हैं मतलब hmm. वो इस्तेमाल ही नहीं करते उसका सारा काम खेत में करेंगे और जो है काम की तलाश में आएंगे वैसे अदरवाइज वो अपने गांव में रहना पसंद करेंगे लेकिन काम की उसमें आएंगे लेकिन शहरी लोगों को का जीवन उनको बड़ा क्या लगता है आसान लगता है और यहाँ के लोग बिगड़े हुए एक पूर्वाग्रह है कि जो शहरी लोग है वो बिगड़ा हुआ है और जो है वो आलसी है जी है ना और दोनों ने एक दूसरे के लिए आ, अपने मन में एक धारणा बना ली है बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल और देखिये सबसे बड़ी बात क्या है सबसे दूसरे वो वो देखिए कहते हैं कि जो शहरी लोग है वो ये बहुत सोचने का विषय है वो कहते हैं शहरी लोग अपने परिवार के साथ समय कम बिताते हैं जो आज समस्या निकल के आ रही है ना ये ये जो पॉइंट है की हमारे जो हम शहर में जो है वो पेरेंट्स वर्किंग हो गए है बहुत सारे रीजन है जिसके कारण वो अपने बच्चों को नहीं दे पाती नहीं दे पाती तो, तो ये महत्वपूर्ण तो, ये, ये लोग बता रहे हैं कि ये तो ऐसा करते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करते हम हम ऐसा जी। बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं करते ऐसे ही उन्होंने कहा कि शहरों में रहना तो ये हमारे ना पूर्वाग्रह बन गए अब जैसे अगले में हम देखें अगर लड़के लड़कियों की करें तो देखिये वे बहुत अब इसमें एक आपकी पाठ्य में बच्चों एक तालिका दी गई है और उसमें कुछ विशेषताएं दी गई हैं वो लड़के के लिए है और लड़कियों के लिए है। तो उसमें कहा गया कि आपको छांटिए तो आप, आप बहुत आराम से इसमें वो कर सकते हैं कि आप देखिए आपको पता चलेगा वे बहुत सुशील है है ना और सौम्य स्वभाव है शारीरिक रूप से बलिष्ट होते हैं तो हम किन कहते हैं शारीरिक रूप से बलिष्ट लड़को लड़कों के लिए कहते हैं ठीक है नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है रोते नहीं है उद्यमी है खेल में निपुण है अब खाना पकाने में निपुण है और वो भावुक है तो ये भावुक है खाना बनाने में है तो ये धारणा किधर की, की तरफ चली गई लड़कियों लड़कियों की तरफ चली गई है ना तो ये चीजें क्या है हमारे पूर्वाग्रह हैं और यही पूर्वाग्रह हमने क्या किया आगे हमारे जो हमने कहा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनके लिए हमने बना लिए हमने हम क्या करते हैं हम सोचते हैं कि वो ये अगर उनके अंदर विशेष योग्यता वाले बच्चे क्या हैं कि जिनकी कुछ थोड़ी सी अक्षमताएं रह गई है वैसे तो हम अगर देखें बच्चों तो हमारे अंदर सभी के अंदर कोई ना कोई अक्षमता है Hmm. तो हम कोई अपने आप में पूर्ण नहीं है लेकिन इनके साथ उसका लेवल थोड़ा ज्यादा होता है hmm. लेकिन हमारा समाज क्या करता है कि उनके साथ भेदभाव करता है hmm. और ये आपने भी देखा होगा कभी आप अपनी क्लास में ऑब्जर्व करिए कि ऐसे बच्चे जो होते हैं उन्हें अधिकतर शिक्षक भी एक आ, उस पर छोड़ देते हैं और जो आ, हमारे स्टूडेंट साथी होते हैं वो hmm. भी उनको दोस्त बनाना पसंद नहीं करते हैं पसंद क्यों नहीं करते क्योंकि वो उनकी बातों को जल्दी से समझ नहीं, समझ पाते।, नहीं पाते। तो फिर वो क्या करते कि कब तक कोशिश करेंगे तो वो बेचारे अकेले उसमें रह जाते हैं तो अब उन, उनके लिए भी एक नकारात्मक मनोवृत्ति बना ली कि भाई क्या है देखो कितना अच्छा है क्या उसका दिमाग सही है सिर्फ इसलिए मेरी टांगे डगमगाती है तो लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता होगा तो ये सारी चीजें कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं इनके बारे में तो वो ये क्या है ये सारे पूर्वाग्रह है जो हमने सोच लिए अब ये पूर्वाग्रह क्या है कि यही पूर्वाग्रह आगे रूढ़िवादिता को जन्म देते हैं जी मैम ये रूढ़िवादिता क्या होती है अभी यही मैंने इसमें समझाने की की कोशिश है कि देखिए पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता ये हमारे अंदर अपने आप नहीं आते हैं ये पूरी जो रूढ़िवादिता है और जो पूर्वाग्रह है ये क्या है कि हम समाज में रहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है समाज में रहता है अब जब समाज में हम रहता है तो समाज के विचारों से हम प्रभावित होते हैं तो जब समाज के में बहुत सारी मान्यताएं हैं hmm. हम उन मान्यताओं को को क्या करते हैं? बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि जो भी मान्यता है उसको हमने बिना सोचे समझे क्या किया मान लिया, लिया। मानकर क्या किया फिर उन पर विश्वास भी कर hmm. लिया जब हमने मानकर उन पर विश्वास कर लिया और फिर उसको क्या किया बिल्कुल एक सा में ढाल लिया कि आप तो बस ऐसा ही है ऐसा ही है जैसे मैंने भी कहा ना कि लड़कियों को घर का काम करना ही है लड़कियां रोए लड़के रोएंगे नहीं है ना और जो आज के टाइम में अगर हम देखें बच्चों तो जो आ, हम देखते हैं कि मेल में हार्ट अटैक जो आ रहे हैं उसका एक रीजन यही है कि वो बेचारा अपनी संवेदनाओं को या लड़के अपनी संवेदनाओं को रोकर के व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि वो एक मान्यता के अंदर गिर गए हैं वो चाहते हैं रोना लेकिन समाज क्या करता है वो एक मान्यता जो मैंने अभी कहा जो पूर्वाग्रह है जो रूढ़ीवादिता है अरे तुम लड़के होकर के रोते हो तो वो आपको रोने नहीं देता तो हमने क्या किया अपने आप को उसमें लिया और उसके अनुरूप फिर हम व्यवहार करना कर रूढ़ीवादिता क्या, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही, सही क्या करते हैं देखिए दोनों में डिफरेंस है अगर आप अगली स्लाइड में देखेंगे हाँ, तो रूढ़ीवादिता क्या है कि हमने किसी के जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि राय के आधार पर एक छवि बना ली या पूर्वाग्रह एक नकारात्मक मनोविचार हमारा विचार है भाव है और फिर हमने क्या किया उन्हीं दोनों को अपना करके समाज में अप्लाई कर दिया जी। जब हमने समाज में उसका प्रयोग किया तो उसने क्या किया असमानता और गैर बराबरी को बढ़ावा दे दिया जैसे अब अब यहाँ पर एक और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है? है कि ये गैर बराबरी या असमानता जो होती है तो क्या वो अमीरी और गरीबी क्या वो भी हमारी विविधता है जैसे अगर आप पिछले अध्याय में बात कर देखेंगे तो उसमें समीर है दो समीर है ठीक है उसमें एक समीर जो है ठीक ठाक है मतलब उसके पास पैसा है दूसरा अखबार बेच वो करता है तो आ, एक ही भाषा अलग है दूसरे की भाषा अलग है एक दूसरे धर्म से बिलोंग करता है एक हिंदू है एक मुस्लिम है, नहीं। नहीं। है नहीं। तो इस तरीके से लेकिन वहां पर आर्थिक रूप से अगर कोई किसी के अंदर कोई गरीब है या अमीर है तो वो विविधता के अंदर नहीं आता वो विविधता का परिणाम है कि वो विविधता का परिणाम है कि जिसके आधार पर हम जो है उसका वो है आ, परिणाम है कि जिसके आधार पर हम क्या करते हैं गैर बराबरी करते हैं और हम समाज में एक बहुत बड़ा जो है डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देते हैं तो इस तो इस तरीके से हम इस आ, अध्याय में हमने ये देखा कि पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता कैसे जो है एक सुंदर जो विविधता है जो एक भारत का विविध स्वरूप है उसको किस तरीके से नुकसान पहुँचाते हैं जी तो हमारा जो आज का विषय था उसमें ये समझाने की कोशिश है ये सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है इसको समझने का और अपने व्यवहार में अपनाने का विषय है बच्चों क्योंकि हम रोज इस जीवन को जीते हैं हम समाज में रहते हैं हम रोज किसी धर्म के आधार पर जाति के आधार पर रोज इन चीजों को करते हैं और इन पूर्व और सबसे एक और बड़ी विशेषता क्या है बच्चों ये जो मान्यताएं ये हमारे अंधविश्वास को भी बढ़ाती है हुँ. कि हमारा जो अंधविश्वास है वो धीरे धीरे क्या करता है हमारा और अंधविश्वास आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है क्योंकि हमारी जो हम एक साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करते हैं हम जो एक वैज्ञानिक उसकी बात करते हैं कि भाई तो किसी के पीछे के कारण को जानो तो ये जो कारण जानने का जो हमारा फैक्टर है उसको क्या करता है ये खत्म कर देता है ये कहता है कि बस जैसा कह दिया समाज ने आप उसी का अनुसरण करते हुए चलो तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें हम आगे अब जानेंगे कि इस विविधता के कारण हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने किस तरह की कि परेशानी को झेला और क्यों ये चैप्टर हमारे बुक के अंदर आया हुँ. क्योंकि मैंने अभी क्या कहा कि हम एक सामाजिक प्राणी है समाज में जी रहे हैं समाज को डेली हम फेस कर रहे हैं और हम उसको हमारा काम है कि जो विविधता का परिणाम जो खुशहाली है उसको हमें बढ़ाना है और जो उसको नकारात्मक मनोवृत्ति की तरफ लेके जा रहा है जो उसके स्वरूप को नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें क्या करना है उसको हमें कम करना है ताकि एक भारत भारत श्रेष्ठ का का जो का जो वसुधैव हमारा सपना है वो हमारा पूरा हो सके बिल्कुल मैम एक तो... प्रश्न और जहन में आता है कि रूढ़ीवादिता और भेदभाव में क्या अंतर है अभी मैंने आपसे कहा ना कि रूढ़ीवादिता क्या है रूढ़ीवादिता हमारे एक विचार विचार है जो हमने एक समाज की मान्यताओं के आधार पर बना लिया भेदभाव हमारा व्यवहार है अच्छा, जो जब हम विचार के आधार पर अपना व्यवहार कर लेते हैं देखिए विचार मैंने बना लिया कि ये गलत है लेकिन मैं जब व्यवहार करती हूँ हु, तो मैं ऐसा व्यवहार नहीं करती मैं एक कॉमन व्यवहार करती हूँ हु, तो मैंने उस विचार को प्रयोग नहीं किया बच्चों अच्छा ठीक है जब तक हमने उस विचार को प्रयोग नहीं किया तब तक तो वो हमारे तक ही रह गया लेकिन जब मैंने उस विचार को समाज में प्रयोग कर दिया मुझे लगा कि ये देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा ये दोनों फ्लावर है ये कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ उसने मन में सोच लिया ठीक है लेकिन मन में तो सोचा हुआ है उसने उसने लेकिन उसके आधार पर इसके साथ उसने भेदभाव नहीं किया है तो अगर उसने सोचा तब तो कोई वो नहीं है कि चलो ठीक है सोच है उसकी अपनी अंदर वो सोच रहा है लेकिन अगर उसने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और वो बार बार इसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है इसके साथ भेदभाव करता है ठीक है तो फिर वो क्या होता है गैर बराबरी जो मैंने कहा उसके कारण हमारे समाज में आ जाती है और जो हम आज के समय में और भी देख रहे हैं और पहले से भी देखते आ रहे हैं तो हम क्योंकि हम क्योंकि आप सब बच्चे हो आपका ही दायित्व बनता है कि हम धीरे धीरे जो है विविधता के एक सुंदर स्वरूप को जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को हम सपने को साकार करें तो जो है इसके साथ जो है जी मैम क्योंकि ना और ये देखा जाए तो रूढ़िवादिता भेदभाव और पूर्वाग्रह एक नकारात्मकता की तरफ ही ले जाते हैं नकारात्मक शब्द है बिल्कुल बिल्कुल ये ये जो रूढ़िवादिता है ये ये मैंने भी आपसे अभी बच्चों में आपसे यही कह रही थी कि हमारे साइंटिफिक सोच क्या कहती है कि कोई कारण है तो उसके पीछे की कोई अगर घटना घटती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है जी ठीक है उस कारण को हम पहले जानते हैं और जानने के बाद ही हम उसके बारे में निर्णय लें लेकिन रूढ़ीवादिता और पूर्वाग्रह क्या करते हैं कि ये कारण को जानने ही नहीं देते जी ये हमें अंधभक्त बना देते हैं अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि अंधभक्त बना देते हैं।, हैं कि हमने अपना अपनी सोच स्मरण शक्ति को बिल्कुल बंद कर दिया क्लोज कर दिया कि अब हम नहीं कुछ सोचेंगे अब इसने जो कह दिया कि ऐसा करना है आपने अभी वो अब एक फिल्म देखी है ना आपने उसमें जो है आई थिंक वो थ्री इडियट या पीके कुछ फिल्म है उसमें वो कहते हैं कि हम जो है भगवान के आगे परीक्षा से पहले जी जी तो उसमें उसमें वो दिखाया है कि किस तरीके से हम जो है अंधभक्त हो जाते हैं कि ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा उसके पीछे के रीजन को नहीं जानते तो यानी अपने मन मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करते अगर मान लो कोई चीज़ आ परंपराओं से चलती आ रही है कुछ रूढ़िवादिता आ रही है तो उसको कहीं स्टॉप करना हो कहीं रोकना हो तो उसी चीज़ को आगे आगे बढ़ाना उसको कंटिन्यू करना

जी बेकार है तो वो चीज़ हमें बच्चों ख़त्म करनी पड़ेगी और वो तभी ख़त्म होगी जब हम अपने सोच को अपने मस्तिष्क में से जो रूढ़िवादिता को पूर्वाग्रह को अंधविश्वास को इसको कम करेंगे तो फिर हमारी जो सोच है वो एक सकारात्मक वे में आगे बढ़ेगी और हम जो है अच्छे तरीके से अपने समाज में अपना योगदान दे पाएंगे जी और अभी हमने देखा भी कि विविधता के परिणाम भी बहुत सारे होते हैं तो हम चाहेंगे जो हमारे हमें देख रहे हैं तो एक बार और बता दें कि विविधता के क्या परिणाम होते हैं मैम मैंने अभी आपसे कहा विविधता के परिणाम देखो विविधता का परिणाम अगर वास्तव में देखा जाए बच्चों तो विविधता का परिणाम खुशहाली है क्योंकि जब दो व्यक्ति अलग अलग सोच के व्यक्ति दो या ग्रुप जब मैंने मिलता है अलग अलग उसका तो वो अपनी सोच से एक दूसरे को प्रभावित करता है हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं जब एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ रहता है तो वो उसके जीने का तरीका उनके त्यौहार और उनकी भाषा शैली आप देखिए कि आप अपने दोस्तों से बात करते हो तो थोड़े दिन में आप उनकी भाषा सीख जाते हो जी बिल्कुल तो तो इस तरीके से विविधता हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देती है कि हम हम अपने समाज के बारे में कि हमारे समाज में कौन से धर्म में कौन से समुदाय में क्या क्या चीज़ें हो रही है तो हम उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं लेकिन दिक्कत यही है कि ये जो रूढ़ीवाधिता और पूर्वाग्रह जो हमारी समाज की पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं हैं अभी हम उनसे पीछा नहीं छोड़ा पा रहे हैं। वो भी धीरे, धीरे 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 जो है बढ़ रही हैं तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम उसके सुंदर स्वरूप की तरफ आगे बढ़ें जी है ना कि हम हम उनसे जो कोशिश करें कि अब आप देखिए क्लास में हमारी हमें इंक्लूसिव की बात करते हैं तो क्लास में हमारे विविध परिवेश के लोग होते बच्चे होते हैं तो हमें उन सब बच्चों से सीखना है जी और यानी विविधता में ही एकता आ, yes. हमें देखना है वसुदेव कुटुम्बकम की बात करनी है और बहुत अच्छे से मैम आपने समझाया हमें इस सत्र में हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम धन्यवाद 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 तो uh, सभी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस सेशन के लिए कि आपने इस सेशन को ज्वाइन करा और बहुत सारी ढेर सारी रोचक बातें ज्ञानवर्धक बातें जानी उसको सत्र को समाप्त करने से पहले हम साझा करना चाहते हैं जी से रिलेटेड अनाउंसमेंट वी आर प्राउड इंडिया इज यूम द जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द जी ट्वेंटी लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नेशन डीपली कमिटीड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टी लेटरिज्म इंडिया जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी वुड बी अ वॉटर शेड मूवमेंट इन अर हिस्ट्री एज इट सी टू प्ले अवेरी इम्पॉर्टेंट रोल बाई फाइंडिंग प्रेगमेटिक ग्लोबल सोल्यूशन फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल एंड इन डूइंग सो मैनिफेस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ वसुदेव कुटुंब कम ऑर द वर्ल्ड इज वन फैमिली और इसी के साथ हमारा आज का ये सत्र यही सम्पन्न होता है लेकिन आप कहीं मत जाइए अभी बहुत सारे रोचक और ज्ञानवर्धक सत्र और भी हैं तो हमें फिलहाल दीजिए आ गया Namaskar